पसूरी आएगा। ओ भाई ले आदम आ गए विक्टोरिया हॉल के अंदर। वाओ कितना बड़ा बना है, बिल्कुल इमाम बाड़ा की तरह मेंटेन है भाई। सही में कोई कमी नहीं है इसके अंदर। बस कोई नहीं मैम, आप नर्वस मत होइएगा, ये हम आपके साथ हैं मैम। ओ सही यार, सही गा रहा यार। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। अभी हूँ मैं अपने प्यारे से मोहल्ले में, मतलब मोहल्ले की गली में हूँ और जा रहा हूँ प्रोग्राम में। प्रोग्राम हो रहा है विक्टोरिया हॉल में और वहाँ जो हमारे मित्र हैं सिंगर भाई, उनका आज प्रोग्राम लगा हुआ है। सिंगिंग करेंगे वो हरदोई में पहली बार, और वहाँ पे ना बहुत सारे लोग सिंगिंग करेंगे। तो देखना ये है कि कौन विजेता बनता है और कैसा क्या रहेगा, सब कुछ न्यूज़पेपर में निकलेगा। तो आप लोग पेपर भी पढ़िएगा, फिलहाल हम ही आपको बता देंगे उससे पहले कि कौन जीता कौन हारा और क्या रहता है। फिलहाल इनकी परफॉर्मेंस देखने जा रहे हैं, पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं ना, थोड़ा भाई का हौसला बढ़ाते थोड़ा सा भाई का। तो ये सीन है, फिलहाल ऑटो से जाएंगे। बाइक खड़ी थी घर पे यार, वहाँ कहाँ खड़ी करते हैं फिर। ऑटो सबसे मत रहता है, आराम से जाओ, जब मानो तो वापस आ जाओ। तो अभी उसका फ़ोन आया था, बोला था कि भाई एक घंटा लग जाएगा हमको, तब बच्चों का चल रहा प्रोग्राम, छोटे बच्चों वाला वो देख लो, घंटाघर में हो रहा है प्रोग्राम। भाई फाइनली उतर गए हम ऑटो से, सामने मस्त नुमाइश का नज़ारा आ रहा है। और यहाँ पर देखो ये है हमारे हरदोई का घंटाघर, एकदम बढ़िया सजा हुआ। और यहाँ पे चल रहा है गांव महोत्सव 2023। वाओ, इसमें हम इनवाइट किए गए हैं ब्लॉग बनाने के लिए। वाह वाह वाह, चलो गाइस जिसका हम आपको दर्शन कराते हैं, नज़ारे कराते हैं कैसे क्या है। ओके चलो फिर से एंट्री करते हैं। ये देखो भाई आ रहा है, अरे देख लिया सही है भाई, सिंगर भाई स्वागत है आपका। और बताओ और वो कहाँ है। ये भाई देखो यहाँ से ऐसे एंट्री होती है, यहाँ पे सब गांव वाला जो सिस्टम है ना वो लगा हुआ है। गांव महोत्सव है ना, तो गांव में जो खेत वगैरह जोते हैं ट्रैक्टर वगैरह ये लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो खाद वाद बनाने का सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी है। और ये देखो भाई, ये भाई पता नहीं कौन सी मशीन है, जो भी है सही है, फिलहाल किसानी में यूज़ होती है, पता नहीं भाई किसी को पता उसके बारे में तो बताना भाई यार। ये देखो भाई काफ़ी सही माहौल है यहाँ का यार, मज़ा आ गया यहाँ पे आके। भाई ने सही इन्वाइट किया और सिंगिंग चल रही है आगे यार, बस इसका आने वाला है प्रोग्राम बस थोड़ी देर में, मैं आपको दिखाता हूँ मज़ा आएगी। अंकल जी गाना गा रहे थे, काफ़ी सही गाया उन्होंने। तो ये भाई ऐसे कुछ धान काटने वाली मशीन है, पता नहीं हार्वेस्टर वगैरह जो बोलते हैं। यहाँ पे कार वगैरह देखो सुजुकी खड़ी है, यहाँ पे तेल वेल बिक रहा है भाई, अचार वगैरह बिक रहा है यहाँ पे, जो कि शुद्ध नेचुरल वाला है ऐसा कुछ बोल रहे हैं। स्कूटी वगैरह स्टॉल लगा हुआ है, सामने प्रोग्राम सिंगिंग का चल रहा है। तो यहाँ पे भाई ये वाला बंदा थोड़ा नर्वस है इस समय, बट अभी परफॉर्म करेगा। यहाँ पे देखो ये आयुष्मान भारत बीमार नहीं रहा हमारे साथ है भाई, ये भी बनना है क्या यहाँ पे चरक हॉस्पिटल का। आइए एक बार इसकी सही माहौल है, सुरक्षा के लिए ताली बजाते हैं। जो गाना इसमें चुरा है ना, हाँ, कि हमारा देश हमारा भारत, गाओ भैया गाओ, कि शौक होना अलग चीज है। इधर देखो सब कृषि वाले स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे, जो तेरा शौक है ना इस शौक में। अब इस पे कॉपीराइट तो नहीं है, अरे क्या हुआ, अच्छा कुछ समझा रहे थे वो। हेलो हेलो, सही है भाई, गा लो छोटू। या तेरे बगैर तू मान मेरी जान, तुझे जाने ना दूंगा मैं तुझको अपनी बाहों में बसा के। सही है भाई, आ गए तुम हरदोई में। और हमारे साथ है भाई जेएम भाई, बड़े दिनों के बाद आए हैं। बोलो सुबह केसरी भाई, ये देखना कितना छोटा बच्चा गाएगा अभी यार, क्या गाएगा, हम तो ये देखने को वेट कर रहे हैं इसका, जल्दी से देखते हैं क्या गाता है। तो कुछ बोल भी ना रहा, पसूरी आएगा। ओ भाई पसूरी आएगा भाई बच्चा, ये नाम आरव सिंह भाई पसूरी गाएंगे सच्ची भाई। देखो धीरज को तुम नर्वस यार है फालतू में, इसको देखो तुम पहले। ओ भाई ओ भाई, लाइक करें पसूरी, इतना पसूरी गाएगा मतलब। वाह, अरे तुम्हारी हिम्मत को देख के हम गदगद हो गए। सॉरी भाई वो गा रहा, यही बहुत बड़ी बात है, हम तो हम माइक माइक के पास जाए ना।
वाह भाई वाह वाह, लाइक करें इसी बात पे। आपकी वो लड़की जाएगी मेरे ख्याल से, वो खड़ी वहाँ पे भाई। अब ये बच्ची गाएगी, ये कौन सा गाएगी, ए दिल है मुश्किल गाएगी। चलो ठीक है, ये ऐड आ गया क्या, क्या है ये? सही में ऐड ही था वो। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हाँ शुरू करो। स्केल नहीं सेम है, म्यूजिक जाना अलग। तू बोला था ना वाइस स्केल में जा रहा है, जैसे कैरियो के मशीन का बना दिया जाता है ना। दिल है मुश्किल मेरा, भाई यहाँ पे जजिंग हो रही है, उसको बीच में रोक दिया गया। ये कौन से पत्ती है जो बालों पे पान थुका है? हाँ वही है ना, रेड बालों वाले कौन है? अबे भाई ऐसे कैसे, तुम बाद में बोल देते हैं कि नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो भाई ये अगला गाना है फूल तुम्हें भेजाएं खत में, ये लड़की गाएगी। चलो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। हाँ आप सही है, ओ सही है यार, ये तो बिल्कुल ओपनिंग भैया सही गा रही है, सही गा रही है ना। ये बहुत सही गा रही है भाई, और उनसे काम तो भाई चलता रहेगा। थोड़ा इधर शूट कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं और क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। ये बंदा पानी पीने आया था, नर्वस हो रहा फालतू में, इसको समझा रहे हैं नर्वस ना हो। इधर चलते हैं भाई। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो गैया वगैरह हैं, और फाइनली आज हमको यहाँ आने का मौका मिल ही गया। चलो गाइस इसकी यार फोटो लेते हैं, बहुत मस्त आएगी सही में। अरे गाय कितनी क्यूट है। तो भाई आज फाइनली हमको इसमें अंदर आने का मौका मिल ही गया। वैसे तो इस पर अंदर आने की परमिशन नहीं थी, बट आज मिल गया। देखो गाय यहाँ पे खड़ी है, लग रहा है कि सुंदर लो। यहाँ पे देखो इस तरीके से रोड बनाई गई, यहाँ पे बजरी वगैरह पड़ी है गाइस, काफ़ी सही। मतलब इन लोगों ने जो भी सोच के बनाया है बढ़िया बनाया है। यहाँ पे गाय वगैरह देखो यहाँ पे खड़ी है, वो इस तरीके से कार मुड़ रही है। इसके अंदर क्या, मैं थोड़ा आगे जाके देखता हूँ गाइस, पता नहीं गाइस अलाउ हुआ कि नहीं, मैं जा तो रहा हूँ। फाइनली आज हम आ गए विक्टोरिया हॉल के अंदर। वाह कितना बड़ा बना है, बिल्कुल इमाम बाड़ा की तरह। ये देखना गाइस कबूतर कहाँ बैठे हैं, कबूतर कहाँ बैठे हैं देखो। वाह भैया वाह, मेंटेन है भाई सही में, कोई कमी नहीं है इसके अंदर, बराबर इसको मेंटेन कर रखा है। यहाँ पे कोई रेस्ट करता होगा, यहाँ पे इस तरीके से देखो इसको बनाया गया है। इधर साइड में प्रोग्राम चल रहा है ना, अभी उसका नंबर आया नहीं तो हम कितने शूट कर लेते हैं। कितने बड़े बड़े गेट लगे हैं भाई, कितने बड़े बड़े, ये देखना वो सही भी लग रहे हैं ऐसे यार। ये देखना भाई पूरा एंगल लोहे के हैं सब पटरी वाले, ये देखो भाई काफ़ी बड़ा है। वैसे इधर से एक रास्ता है जो कि बस अड्डे तरफ जाती है, देखना भाई बड़े बड़े लोग हैं। एसी वगैरह लगी है, सही चल रहा है इनका प्रोग्राम। बिल्कुल पता कैसा बना है, बिल्कुल सेम आर इंटर कॉलेज जैसा बना है गाइस, पूरा सेम आर इंटर कॉलेज। ये देखना भाई ये देखो। चलो भाई फिलहाल हम आ गए इधर साइड में बाहर, बाहर का सीन कुछ ऐसा है, ये सीधे रास्ता आती है बस अड्डे फूलती आके, और यहाँ पर ये है इसके पड़ोस में GIC, उसके पड़ोस में ये है घंटाघर, यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है इस तरीके से। देखना लाइटिंग वगैरह भी प्रॉपर की गई है, सही है। फिलहाल आज मैंने इसका ब्लॉग बना लिया, बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा था, मैंने कोशिश भी की बट बना नहीं पाया कभी, क्योंकि मैंने एक बार परमिशन मिली थी ना तो जाने को अंदर मिला नहीं था, थोड़े साले थे वहाँ पे। गाइस लाइक कर देना इसी बात पे सही में। किशोर साहब अभी भाई थोड़ा सा हम आगे बैठ गए, आगे यहाँ से क्लियर दिखेगा और अच्छे से आपको दिखाएंगे जब भाई ये परफॉर्म करेगा। भाई ये वाला पता नहीं इसका नंबर कब आएगा भाई, पूरा बैंड है क्या इनका यार, ओह शिट। चलो भाई ये मैम आई हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं और इनको गाने का शौक है तो ये आई हैं, इनका भी देख लेते हैं भाई। ये कोई नहीं मैम, आप नर्वस मत होइएगा, ये हम आपके साथ हैं मैम। वाह सही है मैम, वेरी गुड वेरी गुड, काफी सही गा रही हैं यार मैम। भाई इसका नंबर पता नहीं कब आएगा, हम बहुत दुखी हो गए, सब आठ हो चुका है यहाँ पे।
2000 years later. Finally इसका नंबर आ गया 2000 साल के बाद, अब ये जा रहा है सबसे लास्ट में. यार बताओ क्या बताएं इसके बारे में. फिलहाल काफी अच्छे अच्छे लोग सिंगर हैं यहाँ पे. धीरज सिंह. ओके ओ भाई मजा आएगी. ओ भाई देखो ओ भाई भाई इस किसका देखना है भाई यार. वेरी एक्साइटेड यार. सही है भाई. बहुत देर से देख रहे थे. हाँ अच्छा बहुत देर से. तालियां बजा देते हैं. बजा दो भाई, हम तो कैमरा ऑन किए हैं. मुझे तुम्हें देख करके वो कानपुर महोत्सव याद आ गया. हिमेश रेशमिया ऐसे मुझे देख रहे थे और मैं कर रहा. अरे वाह, इस टोपी का स्टाइल क्या सुनाने जा रहे हो. नर्वस हो रहा है यार. बजा दीजिए थोड़ा लो रखना, मीडियम रखना. वॉइस क्लियर आ रही है. ले महंगा वाला मोबाइल है तुम्हारा, लग रहा है आईफोन है. हाँ अब मैंने इतना महंगे महंगे मोबाइल लेके कनेक्ट ही नहीं हो. फाइनली भाई आ गया अपना स्टेज पे. चलो भाई. अरे वो पीछे बैठा है. कोई दिक्कत नहीं. बहुत बढ़िया रिकॉर्ड करेंगे. बहुत सही यार, सही गा रहा यार. तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा. क्योंकि तुम ही हो. बहुत सही यार. बहुत सही यार, गजब गा रहा है भाई. बहुत सही, बहुत बढ़िया गाया भाई, बहुत बढ़िया गाया. कोई बात नहीं. अरे जज की बात सुन ले भाई. रिलेशन के अकॉर्डिंग गाने यहां पर हो रहे हैं. ये मंच बहुत आ गया भाई सिंगर. मैं ये बोल रहा हूं कि बड़ियाला का है या कहीं का भी है, कोई भी मंच हो वो छोटा बड़ा नहीं होता. और यहां पर खड़े हो गए सुन में आ रहा है बेसुरा का. किसी को गाने नहीं दे रहे तो कहां से ऐसा सुना देते ना. सही, तो प्लीज इनके लिए तालियां बजाइए. क्योंकि अभी भाई फिलहाल हम वहाँ से वापस घर मतलब लौट आए हैं, वहाँ से निकल आए हैं. हम बस इसकी परफॉर्मेंस के लिए वहाँ पे रुके हुए थे और काफ़ी लेट इसको बुलाया गया. बट इसने क्या मस्त गाया यार, सही में मज़ा आ गया यार सुन के. सबसे अलग इसने गाया, बहुत अच्छी आवाज़ थी इसकी भाई वाकई में यार. इसने सच में यार, बट दिक्कत ये थी ना, ये इसको बहुत कम गवाया गया. एक ड्यूरेशन लोगों ने सेट कर दिया कि भाई तुमको इतना ही गाना है. वो भी निकल जाएगा घर, बोल रहा हमें रिजल्ट नहीं सुनना, हम चले जाएंगे, हमें नहीं जीतना यहाँ पे, ऐसे बोल रहा था. और भाई आज जो मेरा ब्लॉग आना था वो तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया. आप घर जाके इसको एडिट करके अपलोड करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा भाई, 10:30 बज जाएंगे. खैर कोई बात नहीं यार, यहाँ भी आना ज़रूरी था भाई. और उस दिन कोई और आया नहीं था तो हम ही लोग आए थे. फिर हम लोगों ने उसको काफ़ी समझाया, नर्वस हो रहा था ना चक्कर में. चलो गाइस टाइम से ऑटो मिल गया, घर पहुँच जाएंगे. लाइक कर देना. तो फिलहाल भाई अभी आ गए हैं घर पर. एंड आपको ये वाला जो प्रोग्राम था अमर उजाला गाँव महोत्सव 2023 पावर्ड बाय प्लेटिना बाइक जैसा भी था, आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करना इसके बारे में. और आपने जो भी राय हो उसको देना. और मेरे दोस्त ने कैसा गाना गाया इसके भी बताना आप लोग. तो आशा करते हैं आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नया हो सब्सक्राइब कर देना. हम मिलते हैं आप लोगों से कल के एक नए ब्लॉग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. अच्छा काफी खचा खच लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं.